सो करेंटली वी आर इन बीर एंड अभी गो स्टॉप्स में रुके हैं। ये जो मेरे पीछे प्रॉपर्टी है गो स्टॉप्स है और काफ़ी अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी है ये लोग की एंड काफ़ी अच्छा है ये लाइक मतलब इफ़ आई टेल यू यू नो ऑनेस्टली जो गो स्टॉप्स में बीर में ऋषिकेश में रुका था उससे थोड़ा कम हैपनिंग है लाइक ऋषिकेश वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे। बाकी व्यूज़ अच्छे हैं काफ़ी अच्छे हैं और हम लोग का कल प्लान चल रहा है अपना पैराग्लाइडिंग करने का, उसी के लिए हम लोगों ने बीर में जो है स्टॉप लिया था। सो यार अभी एक दिक्कत हो गई थी कैमरे में, जो मेरा इसका हैंडल माउंट है कैमरे का उसमें मैंने लगाया, सो थोड़ा एक जो गाड़ी का अगर इशू था ना उसके लिए मैं जा रहा था इनफील्ड के शोरूम पे, तो मैंने लगाया एक जस्ट छोटा सा रिकॉर्ड करने के लिए और भाई वो क्लैंप में से स्क्रू निकल के इसमें फंस गया। मेरे को ऐसे हलक में आ गई थी कि भाई अगर निकला नहीं तो मैं हेलमेट पे कैसे माउंट करूँगा, बट फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा यू नो जो स्क्रू है उसमें फेविक्विक डाला मैंने, उसको टाइट किया और फिर निकाला इसमें से। सो जिसके पास भी इंस्टा 360 है प्लीज़ डोंट डू दैट, डायरेक्टली मत लगाओ, अपना स्टिक वगैरह के हिसाब से लगाओ क्योंकि इसका जो अंदर के जो रिंग्स हैं वो बहुत ही नाजुक हैं, तो ऐसे में रिंग्स की दिक्कत भी हो सकती है। सो या दैट्स इट, अभी बीर में है और 24 को निकलेंगे सुबह। वी स्टिल हैवन डिसाइडेड कि कहाँ जाना है। सो दिस इज़ गोस्ट ऑफ बीर एंड ऐसा कुछ दिखता है अपना कॉमन एरिया। हम लोग अभी थोड़ा टाइम पहले पूल खेल रहे थे, उसका वीडियो डालूंगा थोड़ी देर में, वो अपना गाने वाने चल रहे हैं सब। ये सब कॉमन एरिया है, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। डॉम थोड़ा बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। करेंटली वी आर एट बीर और दिस इज़ द लैंडिंग साइट जो कि बीर में है और वो जो पीछे पहाड़ है वहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। सो वी आर प्लानिंग टू डू इट डे आफ्टर टुमारो और थोड़ा सा ऐसा धक धक हो रहा है बिकॉज आज तक कभी किया नहीं है, बट ठीक है शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ द लैंडिंग साइट और वो है पहाड़। तो अभी एक कैफ़े जाने का प्लान है, लेट्स सी, और काफ़ी पीस है यार यहाँ पे। ऐसा मैं सोच रहा हूँ अगर बादल नहीं रहे, इस पूरे जो पूरे दिख रहे पानी वाले बादल है, अगर बारिश नहीं हुई और पूरा क्लियर आसमान रहा तो सोच रहा हूँ यहाँ से मैं टाइम लैप्स वगैरह स्टार लैप्स वगैरह करूँ फोटोग्राफी थोड़ा, क्योंकि अच्छी जगह है और लाइक लाइट पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है। शक्ल अटैप नहीं कितना भाई, बहुत गंदा दिख रहा है। अबे तो उधर ही साइड क्यों भाग रहा है। ये हमारे ब्लॉगर अतुल देशपांडे, आज ये कैफे में काम करते हुए पकड़ाए हैं। जनरली ये इंसान काम करते हुए पकड़ाता नहीं है, बट आज एक खास दिन है, मौका भी है, दस्तूर भी, और भाई लेके बैठ चुके हैं लैपटॉप। तेरी वो हवाएं हैं
दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। अल्लाह के बंदे हंसते, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंसते, जो भी हो कल फिर आएगा। जान जाने वाली है, तुम हंस रहे हो, बड़ा अन्याय है भाई। इतने सारे कहाँ से? कितने वोट हो गए? 5-4-5 दिल टूट रहे हैं गिरी इनका तो। तुम लोग बाकी हो तो वी आर स्टिल इन बीर एंड पैराग्लाइडिंग तो पॉसिबल नहीं हुई बिकॉज अभी देख लो यहाँ पे कैसा मौसम है, काफ़ी ज़्यादा बारिश वगैरह का मौसम हो रहा है और यू नो बीर नीचे है, बिलिंग थोड़ा ऊपर है जहाँ से पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होती है, सो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश थी सो पॉसिबल नहीं हुआ। सो यू नो ऐसा होता है ना कि यहाँ वापस आने के लिए एक रीज़न चाहिए, तो वो रीज़न मिल गया है कि यहाँ से जाने के बाद हम लोग वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें करना है अपना पैराग्लाइडिंग, सो दैट्स वाई कल निकलेंगे सुबह हम लोग जिस्पा के लिए। मैंने अभी फोरकास्ट देखा तो बारिश का फोरकास्ट है ही, सो देखते सुबह 7 बजे निकलेंगे एंड जहाँ तक पहुँच जाए वहाँ तक पहुँचेंगे। थोड़ा कॉशियसली चलाना है बिकॉज बारिश में यू कांट यू नो डू कॉर्नरिंग एंड ऑल। और जैसा अभी थोड़ा टाइम में आप देखोगे, एक छोटा सा सिनेमैटिक डाला है मैंने, ये जो पहाड़ है ये रास्ता जाता है बीर पे, सॉरी ये रास्ता जाता है बिलिंग पे, बीर से आता है ये रास्ता। सो बिलिंग जो है वो काफ़ी ऊपर है जहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है, यू नो। सो अभी वही इसी रास्ते को एक्सप्लोर करने निकले थे। काफ़ी अच्छे पहाड़ हैं, यू नो ये जो पाइन ट्रीज हैं उनकी वजह से जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा शानदार हो जाता है। और अभी तक बारिश नहीं हो रही थी तो रूट जो है पूरा सूखा था, तो मैं मस्त अपना कॉर्नरिंग वगैरह कर रहा था, लेकिन अब जो है थोड़ा कॉशियसली चलाना पड़ेगा बिकॉज थोड़ा बारिश हो गई और रोड थोड़ा थोड़ा गीला होना चालू हो गया है। सो दिस इज़ इट, और यहाँ पे ऐसा साइड होना पड़ता है बिकॉज की गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, दैट्स व्हाई। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ बीर बिलिंग फॉर यू।